Meha, what have you got in your hand? A Will you show mama? What's that? The Albert the pepper. Okay, thank you. What's Mami, that in your Abhi, hand? Daddy, I'll be back. Okay, what's in your hand? What's this, Meha? Show mama. This is card. This is ticket. Show me your ticket. This is ticket. This is ticket. And where are you traveling? Kidhar ja rahi hain aap? You're going on a beach? Yeah. Where are you going? Beach? Beach. Yay! So you will show this ticket to the ticket checker in the train, okay? Hello and welcome to my channel Desified Umain. Today I will share our beach day vlog with you guys. और यहाँ central station के ऊपर ही किसी film या series की या serial की shooting चल रही थी that day. तो हमने थोड़ा सा उसको भी record किया. पूरा shooting का scene था. These are the actors और ये यहाँ पर अपना scene start करने के लिए wait कर रहे थे. So basically ये vlog मुझे डालने में बहुत देर हो गई है. मैंने ईद पे shoot किया था. ईद पे हम beach गए थे. But there are two different kind of vlogs in this one thing क्योंकि हम अभी recently भी दोबारा बीच पर गए थे मौसम अच्छा होने की वजह से और ईद पे भी हम गए थे. तो मैंने दोनों को दोनों की वीडियोज़ जो हैं वो मिक्स कर दी हैं इसके अंदर. और यहाँ पे मेरा जो है वो आगे बैठे हुए एक बच्चे के साथ बात कर रही है और शी जस्ट लव्स टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन इन ट्रेन और एनी वेयर इन बस एनी वेयर. सो अभी हम पहले ईद पर ये जब का आप व्लॉग अभी देख रहे हैं ये हम जा रहे थे एयर में. यहाँ पर बहुत अच्छा बीच है. हम पहले भी एक दफ़ा वहाँ पर गए थे सो दैट्स व्हाई वी चोज टू गो टू एयर. बट दिस टाइम जब अभी हम रिसेंटली वीकेंड पर गए सो वी गो टू ट्रोन बीच एंड आई लव्ड द ट्रोन वन मोर देन द एयर वन. बहुत साफ सुथरा बहुत अच्छा नाइस बीच था. सो दोनों हम आपको दिखाएंगे. ये हम एयर जी पहुँच चुके हैं और ये एयर का टाउन है. छोटा सा बहुत बड़ा टाउन नहीं है. यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको शॉप्स और चीज़ें नज़र आ जाएंगी. यहाँ पर एयर पे असल में जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बीच के साथ और शॉप्स वगैरह हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज़ आई थिंक एयर इज़ द पॉपुलर वन. काफ़ी लोग जो हैं वो एयर ही जाते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीच के इर्द गिर्द जो एक्टिविटीज़ हैं जो चीज़ें हैं जैसे बीच पे आपके बाथ के लिए शावर के लिए उनने अरेंजमेंट किया हुआ है. आप फुट शावर के लिए अरेंजमेंट है. चेंजिंग क्लोथ्स के लिए अरेंजमेंट है. काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इस तरह की चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं. फैसिलिटीज़ ट्रोन बीच पर भी थी बट रिस्पेक्टिवली बहुत कम थी. सो ईद पे जाने का सिर्फ एक हमें ये हुआ था कि उस दिन मौसम इतना अच्छा नहीं था. बट ये आप देख रहे हैं ये इस वीकेंड की वीडियो है ट्रून बीच की. ये हम ट्रून जा रहे थे और मौसम आप देख रहे हैं कितना वाज़े डिफरेंस है. बहुत प्यारा मौसम था. फुल सनी और गर्म तो मज़ा आया बीच पे जाने का. ईद पे जब हम गए थे तब बादल थे और थोड़ा ठंड हो गई थी 3-4 बजे तो वो इतना सही नहीं रहा था. और दूसरा एयर पे उस एयर बीच पे उस दिन पानी बहुत कम था. बट ट्रून पे इट वॉज़ वेरी गुड एंड वेरी प्लेजेंट. ठंडा पानी था बहुत अच्छा. सो फाइनली वी हैव रीच्ड नियर द बीच एज यू कैन सी. और ये बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है. बहुत प्यारा मौसम और बहुत ज़बरदस्त सीनरी भी है यहाँ पर और एक्टिविटीज़ बहुत हैं बच्चों के लिए. आइसक्रीम शॉप्स हैं, फिश एंड चिप्स है और सर्कस भी है यहाँ पर. ये there you go. Careful.
this is beach for you. Khoobsurat pani, khoobsurat mausam, and I find this beach much more prettier than the air one. Rush laga hai aaj beach pe zabardast kyunki bahut zyada garmi hai. Enjoying, baby? Yeah, that's good. So there is no picnic without home cooked food. So कुछ खाना हम अपना घर से बना कर ले गए. मेरा she loves to eat chips. ये ट्रून के ऊपर एक इन्होंने जो है वो लगाया हुआ है, एक मॉन्यूमेंट सा छोटा सा बनाया हुआ है ट्रून वॉर के हीरोज़ को रिकग्नाइज करने के लिए. एंड आई जस्ट लव दैट हाउ दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड एंड देयर यू नो देयर ट्रिब्यूट. तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक बीच के ऊपर ही है. काइट्स बच्चे कर रहे होते हैं यहाँ पर बीच के ऊपर. बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत काइट्स होती हैं. एज यू कैन सी बटरफ्लाई बना हुआ है ये, और इन्जॉय कर रहे थे बच्चे, और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रही थी. सो येस, बस इसके बाद अब मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी. एंड आई जस्ट लव टू सी मेरा एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. उसको मैंने बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ टिल नाउ. एंड आई जस्ट प्रेफर हर टू पार्टिसिपेट इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ एज मच एज शी कैन, बिकॉज यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करो तो दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज यहाँ पर इतने पार्क्स हैं और इतनी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को कोई ज़रूरत ही नहीं है. ऑब्वियसली शी वॉच टी वी अ लिटिल बिट इन अ डे, थोड़ा बहुत वो भी ज़रूरी है. आई डोंट से दैट एवरी थिंग हैज़ जस्ट बैड्स. शी जस्ट वॉचिज टी वी एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड. सो येस, और हर ट्रिप का जो एंड है वो हमारा इसी तरीके से होता है. मेरा यूजली थक के सो जाती है. सो वी आर ऑन आवर वे बैक होम, और मेरा सो चुकी है मेरी गोद के अंदर. सो आई विल एंड माई व्लॉग हियर. इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.